अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद हफीज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंडावे। और व्यूवर्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? खैरियत है? और व्यूवर्स, आज थोड़ा सा मैं फसलों में थोड़ा सा आया हूँ, थोड़ी सी फसलें देखने। ये गांव वालों की, रिश्तेदारों की फसलें हैं और कुछ हमारी भी इसमें हैं। और व्यूवर्स कैसे हैं? कैसी तबीयत है? ये पानी का वाटर जा रहा है। मैं तकरीबन इधर मेरा चक्कर लग रहा है, तकरीबन 1.5 साल के बाद ही मैं आ रहा हूँ इस तरफ तकरीबन। तो अभी देखो, दरख्त भी घने घने हो गए हैं और दरख्त भी बड़े बड़े हो गए। ये छोटे छोटे से पौधे थे और पता नहीं, नज़र भी नहीं आते थे। जैसे ये देखें, छोटा सा ये पौधा कीकर का हो रहा है। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे पौधे थे ये। तो अभी इनका पता ही नहीं था कि ये कब होंगे या होंगे, नज़रों में नहीं आते जो छोटे छोटे होते। अब माशाल्लाह ये देखो, दरख्त कितने बड़े बड़े हो गए हैं। कीकर के दरख्त बड़े हो गए यहाँ पे, और माशाल्लाह कीकर इतने बड़े हो गए। और माशाल्लाह अब अपनी ज़मीन में देखूँगा, अब हमारी अपनी ज़मीन में देखें। ये देखें, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, ये भाइयों ने लगाए हैं ये। अब ये देखें, ये बनना है, ये हमारी ज़मीन आ गई। अब ये देखें, ये आ गया कीकर का दरख्त। और इसके अलावा ये आ गया, ये पानी है इधर, और ये भी आ गए। ये माशाल्लाह, ये थोड़े से कुछ सालों के बाद देखना, ये जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। और पहले इतने थे, ये देखें। अब ये देखें, अब ये दरख्त। अभी फिर मैं आऊँगा कराची से यहाँ, तो फिर ये देखिएगा, ये पूरा ये देखें जंगल बना हुआ है यहाँ पे, ज़खीरा बना हुआ है। ये देखें, ये देखें, अब यही ऐसे बड़े हो जाएंगे, सोच होगी आपकी। और ये देखें, ये हो गया। अब ये गुलेरी वगैरह या कुछ ऐसे होते हैं कि परिंदे और जानवर ये ऊपर ले जाते हैं कपास। अब ये देखें, अब ये है, उसके बाद ये बना है, फिर ये है। ये देखें, ये दरख्त हो रहे हैं इस तरफ। और व्यूअर्स, ये दरख्त हैं। अब ये देखें कि ये हो रहे हैं दरख्त। अब आइए ये दिखाते हैं। ये देखें, ये हो रहा है कीकर, और भी काफ़ी हो रही है। ये देखें, एक ये हो रहा है, मैं अभी फर्स्ट टाइम आके देख रहा हूँ। और व्यूअर्स, ये है, और एक ये है कीकर। और उसके बाद फिर यहाँ कुछ नहीं है, इस ज़मीन में कुछ अभी नहीं है। मगर ये भी इसमें से कुछ हमारी है, कुछ सेल कर दी थी, बेच दी थी। तो ये है, और देखें ये इसमें से व्यूअर्स। और ये देखें, ये आगे ये देख रहे हैं, ये कब्रस्तान है बच्चों का, जो मासूम बच्चे जो इंतकाल कर जाते हैं, ये किसी ज़माने में यहाँ पे दफनाते थे। अभी तो छोड़ दिया, अभी 2 किलोमीटर इस तरफ है आगे, तो वहाँ हाईवे, यानी कि ये हमारा हाईवे जा रहा है यहाँ से, तो उसके उस तरफ जो है ये, यानी कि हाईवे तो कराची वाला नहीं है, वह रोड तो वही आ रहा है, मगर यह कि इंटरनेशनल गुजर रहा है यहाँ से, भागलपुर से। तो यहाँ पे इस तरफ रोड के उस तरफ जो है 2 किलोमीटर हमारे से दूर है, वो हमारा कब्रस्तान है। तो यहाँ पे बहुत कम, यानी कि बहुत ही कम यहाँ पे बच्चों को दफनाते हैं इस कब्रस्तान में, वरना यहाँ पे नहीं दफनाते। ये फसलें हैं, ये रिश्तेदारों की, अगले मेरे कज़नों की हैं। तो अभी मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं ये वीडियो बना दूँ। तो अभी मेरे 2-3 घंटे हैं, यानी कि यहाँ फिर मैं कराची रवाना हो जाऊँगा। तो ये देखें व्यूअर्स, अभी ये देखें आगे वो नहर जा रही है, ये आपको दिखाता हूँ नहर कहाँ है। ये देखें, ये नहर जा रही है, ये जो आ रही है मट्टी मट्टी नज़र आ रही है, ये नहर है करीब, यानी दूर नहीं है इतनी। तो व्यूअर्स, ये चीज़ें हैं, ये ज़मीन है, और वो भूसा पड़ा हुआ है जानवरों का। यहाँ पे गंदम की कटाई होती है, यहाँ पे थ्रेशर लगती है, तो गंदम निकलती थी यहाँ पे, यानी के ऊपर लेप कर देते हैं मिट्टी का। तो ये हो गई। और ये देखें, ये हमारे पड़ोसियों की ज़मीन है, और इस तरफ हमारी है। तो ये देखें कैसी ज़मीनें हैं ये, माशाल्लाह से।
हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनतें की हैं, मेहनतें कर करके बनाई हैं, और ये हमारे पड़ोसी हैं, ये उन्होंने ही मेहनतें की थी, तो आज उन्होंने ज़मीनें, काफ़ी ज़मीनें बन गई थी उनकी। ये देखें अब ये गांव है हमारा, ये देखें ये घर हैं, ये गांव है, और यहाँ करते हैं वीडियो का एंड।